डॉक्टर से मीटिंग के बाद फिर खाली हाथ लौटी ममता। मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पे बात ही नहीं हुआ। ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं रोकेंगे डॉक्टर्स। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन पर भी बात की जो 2011 से ही बंद है, क्योंकि हमें हमेशा ही ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जिन्हें हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जो हमारी बात नहीं सुनते और जो थ्रेट कल्चर के ही पार्ट बने रहते हैं। मीटिंग में ममता और जूनियर डॉक्टर्स के बीच आखिर क्या हुई बातचीत? With the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society with aside us, with the patients still suffering, we still question the system. कोलकाता केस को लेकर ममता सरकार के खिलाफ जमकर जूनियर डॉक्टर्स का गुस्सा फूट रहा है। एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स की बैठक जो थी वो बेनतीजा रही, यानी उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार जूनियर डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ा रही है कि वो अपनी हड़ताल बंद करें, लेकिन किस तरीके का वो शाही रवैया दिखा रही है ये भी सीधे तौर पर डॉक्टर्स ने खुलासा किया है। जो जूनियर डॉक्टर्स इस मीटिंग में शामिल हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि ममता सरकार उन्हें मौखिक आश्वासन तो दे रही है लेकिन लिखित में कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर्स में गुस्सा है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक कि ममता सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। इस पूरे मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने क्या कहा है जो कि वहां पर उस मीटिंग में शामिल हुए थे और किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार पर तानाशाही और गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, जरा सुनिए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा वहां पे डिमांड ये भी था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य भवन जो है वो 4-5 सालों से ऐसा हालत है कि हर चीज़ मतलब स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो यहाँ पे चरमराने की पोजीशन में है। तो हमारा पहला ये डिमांड था जिसे ये कहा गया कि वो उस पर बात नहीं होगी, वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमारी जो डिमांड थी वो बहुत डिटेल डिमांड हम लोग लेकर गए थे ताकि पेशेंट और डॉक्टर और जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो, डॉक्टर्स को फ़ायदा हो, नर्सेस को फ़ायदा हो, जो स्टाफ है हेल्थ केयर वर्कर्स उनको तक फ़ायदा हो। ये सारे डिमांड्स कि कैसे एक सेंट्रल रेफरल सिस्टम होना चाहिए, कैसे एक पेशेंट को बाहर ही पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या बेड्स खाली हैं या बेड्स खाली हैं कि नहीं, किस डिपार्टमेंट में खाली हैं, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सब उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थ्रेट कल्चर भी था जो हमने डिस्कस किया, जिसका एक कारण अभया के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये थ्रेट कल्चर के ही कारण है, इसको भी लेके हमने डिस्कशन किया। उसके साथ ही साथ हमने रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन पर भी बात की जो 2011 से ही बंद है, क्योंकि हमें हमेशा ही ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जिन्हें हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जो हमारी बात नहीं सुनते और जो थ्रेट कल्चर के ही पार्ट बने रहते हैं। तो हमने ये सारे बातें रखी और कहा गया कि हाँ ये मान लिया जाएगा, ये भी मान लिया जाएगा, लेकिन जब वही लिखित तौर पे देने की बात आई डिटेल में कि ये इन चीज़ों पे बात हुई है, इन चीज़ों को माना गया है, तो वो हमें नहीं मिल पाया। तो हम यही समझते हैं कि आस्था रखे हुए हम अब भी व्यवस्था पर, सिस्टम पर, चेयर पर, कि वो हमसे हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें और हम जल्द से जल्द काम पर वापस लौटें। यानी सारी बातें ज़बानी रही? हाँ, अभी ज़बानी ही रही, हम लिखित तौर पर कुछ भी बता नहीं पाएंगे कि ये क्लैरिटी है, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं, हमें नहीं मिला। बहुत सारे लोग आज उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की, तो ऐसा लग रहा था कि आज के बाद जो आपकी मीटिंग होगी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद से ये मूवमेंट जो है उसके आगे सोचा जाएगा कि उसको खत्म करना है कि नहीं करना है, अब क्या पोजिशन है? देखिए, हम भी यही सोच रहे थे कि हमारी आज मीटिंग हो और उसमें जो व्यवस्थाएं जो ख़राब हैं उन पर बात हो, उनका समाधान निकले, जिस तरह से हम जल्द से जल्द सीज वर्क ख़त्म करके काम पे लौट पाएँ, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया है कि हम लोग सीज वर्क क्यों कर रहे हैं,
थ्रेट कल्चर, सुविधाएं, ये सब कुछ बहुत प्रेविलेंट है। ये मतलब सोचने में बस सिंपल लग सकता है कि काम पर क्यों नहीं वापस जा रहे हैं, लेकिन वही गुंडे जो पहले हमें धमका रहे थे जब हम ये आंदोलन कर रहे थे, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर किसी फीमेल डॉक्टर को कल को कोई धमकी दे कि तुम रात में काम कर रही हो तो देख लेना, तो इस धमकी के लिए वो किसके पास जाएगी? ये तो अभी भी इसका आंसर नहीं है। ये हमें मौखिक तौर पे कहा गया है कि ये होगा, लेकिन हम जब तक हमें एक डायरेक्टिव ना मिले तो हम किस बात को लेकर पब्लिक के सामने या लोगों के सामने आएंगे कि हमने ये अचीव किया है या हमें ये मिला है सही तौर पे? तो हमारी डिमांड यही थी, और जब तक हमें डायरेक्टिव प्रॉपरली नहीं मिलता कि ये चीज़ें हुई हैं, एक ब्लूप्रिंट नहीं आ रहा है, तब तक हम अपना ये आंदोलन कंटिन्यू करेंगे, और ये जो यहाँ पर हमने सिट इन प्रोटेस्ट किया हुआ है स्वास्थ्य भवन पे, वो भी कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो मूवमेंट है ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक अभया को जस्टिस नहीं मिलता। Today when we went in, we were very, very hopeful because we also have this have a common goal, or so that we thought, of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems by having some fair means in those systems as well. We were told that we are, whatever points that we are making, they are very, very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them the whatever our needs are, and based on that they will later on verify those email, the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless, we right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrator still going about in the society with aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very, very not satisfied with what happened today. आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्यता से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर बात ही नहीं हुआ। हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है, और साथ में जो पेशेंट है, सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये सब फोकस नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डर था, जो हमारे डिमांड 5 में थ्रेट कल्चर, उसके बारे में आज उन्होंने कुछ लिखने से मना किया है। उन्होंने बोला हमें डायरेक्टिव दीजिए, हमें मेल कीजिए, हम डायरेक्टिव देंगे। अगर मेल करके देना था तो हम लोग मेल करके आते, मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। लेकिन ठीक है, मीटिंग की हम लोग ने, कोई विदाउट ट्रांसपेरेंसी का हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रस्ट करके मीटिंग भी किया आज, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला। ये रिटर्न में ना मिलने मिनट्स, जो मिनट्स हम लोग को चाहिए था, जिस हिसाब से हमने जो डिमांड रखे थे, वो डिमांड शायद उस हिसाब से उन्होंने लिख के दे नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने उनको हायर अथॉरिटी में जवाब देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग ने इसी अनुसार मीटिंग ख़त्म किया। उनके मिनट में हम लोग ने साइन नहीं किया, हमारा डिमांड हमने सबमिट करके आया है। इसके हिसाब उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टिव निकालेंगे। हम लोग डायरेक्टिव निकलने तक का वेट करते हैं, लेकिन इस डायरेक्टिव निकलने तक हम लोग जो भी चल रहा था वैसी तरह हमारा अवस्था चलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हम थोड़े हताश है इस मीटिंग के बाद। तो आपने कई जूनियर डॉक्टर्स को सुना जिनका ये कहना है कि ममता बनर्जी सरकार का रवैया, उनकी नीयत सही नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सुरक्षा की लिखित गारंटी जूनियर डॉक्टर्स लगातार ममता सरकार से मांग रहे हैं, और जो ममता बनर्जी की सरकार उन्हें नहीं दे पा रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि मीटिंग लगभग जो 5 घंटे तक चली, उसमें कई मांगे हमारी तरफ से रखी गई, और मुख्य सचिव ने भी और बाकी जो सरकार के वहां पर नुमाइंदे थे, उन्होंने दरअसल इस बात पर सहमति जताई कि हाँ वो उनके साथ हैं, लेकिन जब लिखित में ये चीजें ममता सरकार से मांगी जाती हैं तो वो अपने पांव पीछे खींच लेती हैं, वो उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं देती है। जिस पर अब जूनियर डॉक्टर्स भड़के हुए हैं, वो ना सिर्फ आर्जकर मेडिकल कॉलेज में हुई
घटना को लेकर इंसाफ मांग रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और यही वजह है कि आपने जूनियर डॉक्टर्स को जो सुना, उनका कहना है कि ये सोचने में बहुत ज्यादा आसान लग सकता है कि हम काम पर क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये वही गुंडे हैं जो पहले हमें धमका रहे थे जब हम आंदोलन कर रहे थे, और आज भी खुलेआम ये घूम रहे हैं। इस बात की आखिर क्या गारंटी है कि अगर किसी फीमेल डॉक्टर को कल को कोई धमकी दे कि तुम रात में काम कर रही हो, तो देख लेना इस धमकी के लिए वो किसके पास जाएगी। आखिर इसका जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है, इसको लेकर अभी भी हमें राज्य सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स लगातार भड़के हुए हैं। उनका जो ये प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। बैठक के बाद डॉक्टर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपना आंदोलन और काम रोको अभियान जो है वो जब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार बैठक में हुई सहमति के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा के बारे में लिखित निर्देश जारी नहीं कर देती। यानी मौखिक आश्वासन पर जूनियर डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है। वो बार बार टीएमसी के नेताओं, उनके नुमाइंदों की गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें लगातार इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव ही मिले हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण किया है। ये बार बार जो है वो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का बयान सामने आ रहा है। आपने एक डॉक्टर को सुना, लेकिन वही डॉक्टर अनिकेत महतो ने यह कहा कि बातचीत तो सुचारू रूप से हुई, लेकिन सरकार ने चर्चा किए गए मुद्दों पर हस्ताक्षरित और लिखित विवरण सौंपने से इनकार कर दिया। यानी लिखित में हमें वो आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम सरकार के रवैये से निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं। महतो ने यह भी कहा कि हम अपनी मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक ईमेल भेजेंगे जिसके आधार पर सरकार ने निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जब भी निर्देश जारी कर दिए जाएंगे हम इस पर फैसला लेंगे। ये साफ और स्पष्ट बात जो है वो ममता बनर्जी के कानों में इन जूनियर डॉक्टर्स ने डाल दी है। पश्चिम बंगाल में सब जानते हैं कि किस तरीके से 45 दिन से ऊपर बीत चुके हैं और लगातार इस तरीके से डॉक्टर्स का गुस्सा ममता सरकार के खिलाफ फूट रहा है। हालांकि कई मांगे जो थी वो ममता सरकार ने मानी जूनियर डॉक्टर्स की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स काफी चिंतित हैं। जिस तरीके से आर्चकर मेडिकल कॉलेज में यह घटना हुई, उसके बाद सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर उनका गुस्सा जो है ममता सरकार के खिलाफ फूट रहा है। अब बात अगर बैठक की करें, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, उम्मीद यह जताई जा रही थी कि ममता सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच इस बैठक में सहमति बन जाएगी, लेकिन रवैया जो है ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनके पार्टी के लोगों का, वो किस तरीके से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और तानाशाही का है, ये जूनियर डॉक्टर्स ने भी इस बात का जिक्र किया है। और बैठक की बात की जाए कि उसमें क्या हुआ, तो बता दें कि मुख्य सचिव मनोज पंत जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये राज्य स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्यबल और 30 कनिष्ठ चिकित्सक के प्रतिनिधि मंडल के बीच नबन्ना, यानी राज्य जो सचिवालय है उसमें राज्य द्वारा तय समय से एक घंटे बाद यानी शाम करीब 7:30 बजे ये बैठक शुरू हुई। 5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, और जो भी जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने बैठक में राज्य सरकार द्वारा जो अस्पताल चलाए जा रहे हैं उनके परिसर के अंदर अपनी सुरक्षा का मुद्दा और वादे के मुताबिक कार्यबल के गठन का विवरण और उसके कार्यों को रेखांकित किया, यानी कुछ पॉइंट अपनी तरफ से उन्होंने रखे, और साथ ही जो डॉक्टर्स की मांग थी उन्होंने रेफरल सिस्टम में जो पारदर्शिता की बात की, मरीजों के लिए बिस्तर आवंटन और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और साथ ही परिसरों में प्रचलित धमकाने की संस्कृति, इसका जिक्र बार बार जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं कि हमें धमकाया जाता है, हमें थ्रेट मिलता है, उसको खत्म करने की मांग जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। जिस पर ममता सरकार की ओर से मौखिक में तो कहा जा रहा है कि हम तमाम चीजों पर काम करेंगे, लेकिन जब लिखित में इन जूनियर डॉक्टर्स ने यह आश्वासन मांगा तो उन्हें यह आश्वासन दे
देने से इनकार किया गया है और यही वजह है कि उन्होंने अब अपने इस पूरे प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब भी ममता सरकार हमारी ये मांगे मान लेगी, जब भी स्वास्थ्य मंत्रालय वहां का हमारी ये मांग मान लेगा, तब जाकर हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि डॉक्टर्स और ममता सरकार के बीच चल रही ये जो गहमागहमी है ये बढ़ती है या कहीं ना कहीं इस पर ममता सरकार जो है डॉक्टर्स की मांग जो है वो मानकर फुल स्टॉप लगाती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।